झुंझुनू के रिको एरिया में इंश्योरेंस एजेंट पर फायरिंग और उसके साथ से फिरौती मांगने के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और साथ ही वही घटना के मास्टरमाइंड संजय खीचड़, अमरजीत तथा शूटर पंजाब निवासी चीमा भी फरार है। पुलिस ने बताया कि संजय खीचड़ का संदीप के साथ सट्टे का लेन देन था। संजय ने पैसे ऐंठने के मकसद से संदीप और उसके दोस्त इंश्योरेंस एजेंट विकास को डराने के लिए पंजाब से बुलाए गए शूटर चीमा से विकास पर फायरिंग करवाई और संदीप से 50 लाख की फिरौती मांगी। इस मामले में पुलिस ने आसिफ और रोहित को गिरफ्तार कर लिया है। एक लक्की फाइनेंस ऑफिस के बाहर विकास सिगड़, परिवादी विकास सिगड़ पर अज्ञात मुलजिमानों ने फायर करके भाग गए थे वहाँ से। इसमें अज्ञात मुलजिमानों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। इसके बाद मुलजिमानों की तलाश की गई, जिसमें एक स्विफ्ट VDI कार और एक हुंडई की वरना कार का शामिल होना सामने आया, जिसमें मुलजिमानों की तलाश करते हुए वरना कार को हमने बरामद किया। वरना कार में दो अपराधी रोहित जाट और तारीफ निवासी मलसीसर को हमने गिरफ्तार किया है। इसमें कुल 5 मुलजिम थे, जिसमें 3 मुलजिम फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।